हल्द्वानी में शनिवार को देवभूमि ट्रक ऑनर्स वेलफेयर महासंघ ने एक बैठक करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर हमारी 5 मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगामी 5 दिसंबर से हड़ताल पर उतर जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने 30 नवंबर को सीएम धामी को अपना मांग पत्र सौंपा था, जिसमें ओवरलोडिंग पर्वतीय मार्गों में भी मैदानी मार्गों की तर्ज पर 25% वाहन का भार बढ़ाए जाने और उसका रोड टैक्स वसूल किए जाने, पर्वतीय क्षेत्रों जिनमें हल्द्वानी टनकपुर रामनगर कोटद्वार ऋषिकेश में सरकारी कांटे लगाए जाने, चालान का अधिकार सिर्फ आरटीओ और टीआई को देने का ताकि चौराहों पर अवैध वसूली रोकने के साथ ही पुलिस का उत्पीड़न बंद हो और प्राइवेट फिटनेस पर रोक लगाए जाने की बात उठाई थी, लेकिन शासन ने इन सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे वाहन मालिकों में रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगामी 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाने में बाध्य होंगे और रानी बाग तिराहे पर एकजुट होकर हड़ताल पर बैठेंगे। सर, ऐसा है कि जो हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बना दिया, रंजित मोहन जोशी जी ने बना दिया, बता दिया है, और ये सुचारू रूप से अगर शासन से कामयाब नहीं होती है तो इसको हम अपने वाहनों को अपने हाथ से खड़े करेंगे और सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं और ये ओवरलोडिंग पूरी तरफ से बंद होना चाहिए। जो निजीकरण के सरकार की जो एक पॉलिसी है कि निजीकरण के लिए, ये निजीकरण संपूर्ण बंद होना चाहिए। हम इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है और इसके लिए हम आगे जारी रखेंगे। अगर नहीं आपकी सुनवाई होती है तो क्या रहेगा आपका? जी, अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम रोडों में जाके अपना गाड़ियां खड़ी कर देंगे और समर्थन में बिल्कुल समर्थन में नहीं है। इससे पूर्व भी आप लोग के द्वारा आंदोलन किए गए थे, उसका नतीजा कोई सामने नहीं आया, आज आप दोबारा आंदोलनों की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये आंदोलन बातों बातों में रहेगा या इसका कुछ निर्णय भी निकल गया? सर, आज तक तो जो भी चला है, हम 1998 से ये चली ही, हम इसी मोटर व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, 98 से अभी तक हमें आश्वासन दिया गया और अब तक जब जियो नहीं निकलेगा, जब तक सरकार नहीं कहेगी हम जियो, तब तक हम इसको बिल्कुल समर्थन से बाहर जाएंगे, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम दिल्ली जब तक हमें सरकार लिख के नहीं देगी तब तक हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जो हमारी मांगे हैं वही हैं जो सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार का सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार का मकसद ओवरलोड को रोकना नहीं, सिर्फ ओवरलोड के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना वसूलने का जो सरकार का टारगेट है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं और शीघ्र ही हम लोग, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम जो है बहुत बड़ा जो हमारे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है वो अपने ट्रकों के साथ रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी हम रोड पर हैं, सरकार की उदासीनता के चलते हुए भारी भरकम जो जुर्माना हमसे चेक पोस्टों पर आरटीओ के माध्यम से, पुलिस चेक पोस्टों के माध्यम से वसूला जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। यदि वो हमारी मांग पर सकारात्मक रुख नहीं करते तो हम जो है अपनी गाड़ियों के साथ रोड पर आने को मजबूर है। वहीं आरटीओ द्वारा लगातार अब प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है, इसमें क्या कहना है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे तमाम चीजें आरटीओ द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दिया, इस विषय में क्या कहना है? देखिए, लग रहा है सरकार तो चाहती है कि हम जो है, एक दिखावा तो सरकार का जो है यह है कि हम कभी ऑनलाइन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से जो है वाहन मालिक से कम पैसा लें, लेकिन जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित नहीं है बल्कि बढ़ गई है, ऑनलाइन के माध्यम से और भी बढ़ गई है, कुछ चीजों अपवाद को छोड़कर। जैसे सरकार चाहती है कि हम जो है फिटनेस को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो सरकार का ये मकसद है कि जो है छोटे छोटे व्यवसायी इसमें हमारे पूर्णतया खत्म हो जाएंगे, जिन बंदों के पास हमारी 5-6 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो बड़ी मुश्किल से अभी किस्तें फ्री करके जैसे तैसे जी रहे हैं, तो उनकी स्थितियां जो है खराब हो जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में जाने का, फिटनेस का प्राइवेट सेक्टर में जाने का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और जहां तक हम अपनी क्षमता से आंदोलन कर सकते हैं उस तरीके से हम सरकार की इस योजना का जो है विरोध करते हैं। तो जो हमने ज्ञापन दिया उसमें हमारी कुछ 5 मांगे हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो ओवरलोडिंग को हमने बंद कराना है और अंडरलोडिंग की मुहिम को हमने सफल कराना है। इसमें हमारा प्रशासन बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा है, हम खुद अपनी टीम लेकर के रात देर रात चेकिंग कर रहे हैं और हमने अभी तक काफ़ी सफलता पा ली है, लेकिन जब तक प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा तब तक हम इस मुहिम को सक्सेस नहीं करा पाएंगे। इसलिए प्रशासन का सहयोग हमें चाहिए और शासन को भी इसमें कोई जियो निकालना चाहिए। एक्चुअली जियो है लेकिन शासन उसको पास नहीं करा रहा है, उसको आगे बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल चुका है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी मांग हमारी है कि GVW जो है वो बढ़ाया जाए, 25% GVW सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से लागू है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। हिमाचल में वो पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, जिसमें वहाँ जो गाड़ियों की क्षमता है वो भी बढ़ी है। गाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी तो हो सकता है कि हम लोग भी अपनी क्षमता के हिसाब से भार ले जा सकें, जिससे कुछ राहत कस्टमर को भी मिले।
तीसरी हमारी जो पॉइंट है वो है कि हर क्षेत्र में जो हमारे मुख्य द्वार है वहाँ पर सरकारी कांटे लगाए जाए और उन कांटों के माध्यम से यहाँ से तुल के गाड़ी जाएंगी तो उस हिसाब से रास्ते में कोई चेकिंग का साधन नहीं है तो उससे एक अंकुश लगेगा ओवरलोडिंग की तरफ। चौथा हमारा आपकी जो मांगे हैं अगर नहीं मांगे सरकार और प्रशासन तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग 5 तारीख से हड़ताल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर 5 तारीख तक हमारी इन्होंने मांगे मान ली और हमसे वार्ता हो गई तो हम तब तो जो है नहीं तो 5 तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरी तरह से ले जाएंगे।